खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी होंद जो बनाई है ये कुछ हस्तियां दा जोड़ है, जबकि परमात्मा आजोड़ नहीं है, निर्जुर निरूप हैं कि सुंदर स्वरूप हैं, वो आप ही आप है, कुछ वस्तुओं का जोड़ नहीं है। जैसे बिल्डिंग है, इटा ने सीमेंट है, फिर लकड़ है, तरह तरह का साजो समान है, कई चीज़ों का जोड़ ते गुरुद्वारे की बिल्डिंग। साड़ी होंद भी कई चीज़ों का जोड़ है। परमात्मा नूं कलगीधर पातशाह कहिंदे निर्जुर निरूप है, वो जोड़ नहीं है, आप ही आप है। असी जोड़ हाँ, इस जोड़ नूं तीन हिस्सों दे च वंडदे ने, तन जो अस्थूल शरीर है, मन जो सूक्ष्म शरीर है, फिर आत्मा जो मूल रूप दे च परमात्मा दी अंश है। इसनों अध्यात्मक आचार्या इंज बयान करते हैं, एक सूरज, फिर सूरज दियां किरणा, फिर किरणा तो रोशनी, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, नहीं है रोशनी तो नहीं दिखाई देगा, रोशनी करके जो प्रकट हो रहा है, जो रोशनी करके दिखाई दे रहे हैं, प्रथम सूरज, फिर उस दियां किरणा, फिर किरणा दी रोशनी, फिर रोशनी दे जो कुछ प्रकट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जिस तरह ये बाहर असी दृश्य देखते हैं, इस तरह अंदर परमात्मा, फिर ये आत्मा उसकी किरण, कहो कबीर ए राम की अंश, जस का गद पर मिटे न मंस, फिर उसी किरण दी रोशनी साड़ा सूक्ष्म शरीर मन, फिर उसी रोशनी करके जो कुछ है ते प्रगट होया है, वो है साड़ा तन। मैं चूंकि आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ये जो 400 साल स्थापना दिवस आ रहा है, ये संबंध च विचारां दी लड़ी चलाई हुई है, पर मैं अर्ज करा सतगुरु कहिंदे ने बाणी बिरलो विचार सी, ते बहुत गहरियां गल्लां। इन्हों होर दो शब्दां च मैं बयान करा, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, उही शब्द दे रूप दे च गुरु है, जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, उही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, अलग अलग नहीं है, जोड़ नहीं है, निर्जुर निरूप है। नानक सोदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, उही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, उही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। परमात्मा तो शब्द होया, शब्द दे जब करके प्रकाश होवेगा, भाव परमात्मा दा बोध होवेगा, पता चलेगा। तो हुण मैं फिर दोहरावां, एक सूरज, फिर उस दियां किरणा ने, फिर किरणा दी रोशनी है, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई दे रहा है, रोशनी करके जो कुछ प्रकट होया है, परमात्मा है, आत्मा है, फिर सूक्ष्म शरीर है जिसनों मन कहते हैं, और जिस मन करके कुछ होंद प्रगट हुई ते महसूस हो रही है, वो है साड़ा तन। चारां दा इंज असी जोड़ हाँ। मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा कुछ वस्तुओं का जोड़ नहीं है, गुरु ते परमात्मा कोई जोड़ नहीं है, एक ही है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। निर्जुर निरूप है,
मैं एक दफा फिर दोहरा दें, यह बिल्डिंग गुरुद्वारे की कई तरह के साजो समान का जोड़ है। इटा ने, सीमेंट ने, लकड़ है, और तरह तरह का सैकड़े किस्म का साजो समान है, तो यह बिल्डिंग है। असी जोड़ हाँ, परमात्मा निर्जोड़ है, निर्जुर निरूप है। हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा साडा अस्थूल तन है आकार, इहदे दो भाग मनदे ने, अन्नमयी कोश प्राणमयी कोश। अगों जो साडा सूक्ष्म शरीर है उहदे भी दो भाग मनदे ने, मनमयी कोश विज्ञानमयी कोश। जो पंजवां है, जो मूल है, उन्हों आनंदमयी कोश कहिंदे ने परमात्मा, क्योंकि किरण भी सूरज करके है, रोशनी भी सूरज करके है, और रोशनी करके जो कुछ बनया ते प्रगट होया वो भी सूरज करके। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, प्रकृति अनेक वेस जो धारण कर दिए एक सूरज करके। खैर हुण मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये तन अन्नमयी कोश प्राणमयी कोश। कुछ विद्वान तो इसनों इंज कह दें, बस तन अन्न ही है, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है, ये बनया ही रोटी तो है। किस तरह इनू गुरबाणी फिर इंज खोल दी है, रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजार। तन की होंद किवें बनी, बिंद तो खून तो। मां की रकत पिता बिंदारा, मां दा लहू पिता दा बिंद। प्रश्न यह पैदा होंदा, लहू किवें बनया, बिंद किवें बनया, रोटी तो, भोजन तो। मूल रूप विच ए तन भोजन है, मूल रूप विच ए तन रोटी है, और कुछ भी नहीं है। मां की रकत पिता बिंदारा, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रखाया, दस मास माता उधर रखया, बहुर लागी माया। रकत बिंद करने में आ, ये लहू तो बने है, पूरी एकाग्रता देना, बिंद तो बने है। लहू बनता है रोटी तो, बिंद बनता है रोटी तो, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। जब बनया रोटी तो है, तो हुण मैं अर्ज करांगा, जीवेगा भी रोटी के आसरे ते, बिना रोटी तो जीव ही नहीं सकता। बनया जो उस तो है, बनया भोजन तो है, भोजन तो बिना ये जीव ही नहीं सकता। कारण तन की लोड़ नूं असीं भुख कहिंदे आ, ते भुख भोजन मंगदी है, रोटी मंगदी है। बनया रोटी तो है, जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। कबीर जैसा महान संत भी कह उठे है, भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी दीजै। पहले अपनी माला, साढ़े कोल भुगत भुखिया भगती नहीं होने, असी भुखिया तेरा नाम नहीं ले सकते। रोटी चाहिए है, दो सिर मांगो चूना, चून हटे नू कहिंदे ना, दो सिर मांगो चूना पाए गयो संगलूना, अध सिर मांगो दाले मखो दोनों वक्त जवाल है। मूल रूप दे ऐलान कर दे पैन, भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी दे, ऐल है अपनी माला, ये नहीं होनी बंदगी। पुराना जमाना सी, रस्ते च होटल रेस्टोरेंट ढाबे नहीं आते सन, दूर दूर तो संगतां गुरु दे दर्शन करन लई आउंदियां सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने मर्यादा बना दिती, पहले पंगत पाछे संगत, पहले अन्न पानी ग्रहण कर लो फिर संगत च आओ कथा कीर्तन सुनो।
कोई 10 मील तो चल के आउंदा सी, कोई 5 मील तो, कोई 20 मील तो, लंबियां वाटा तय करके थके त्रुटे नहीं, स्नान पान करके पहले खान पान करो लंगर पंगत, फिर संगत दे जाओ। एक मर्यादा बना देती, पंगत संगत नाल जोड़ दीती, रोटी नो भोजन नो भजन दे नाल जोड़ दिता, एक मिक कर दिता। मैं फिर अर्ज करा, साड़ी होंद कुछ पदार्थां दा जोड़ है, और एक दफा मैं फिर दोहरावा, परमात्मा जोड़ नहीं है, निर्जुड़ निरूप है, निर्जोड़ है, आप ही आप है, किसी चीज का जोड़ नहीं, किसी वस्तुओं का जोड़ नहीं है। तो तन चूंके बनिया रोटी तो है, बिंद तो बनया है, खून तो बनया है, खून बिंद रोटी तो बनता है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे। भगत कबीर ने चार हस्तियां नू पूजनीक कहा, धन धन करके कहा, ये चारां दी गिनती मैं थोड़े सामने रखा। धन गोपाल, धन गुरुदेव। हे गोपाल सृष्टि दे पालनहार, तू धनता दे योग है, हे गुरु तू भी धन है। ये दो दफा धन धन परमात्मा नू कह, तू प्रकाश दे रूप दे भी धन है, तू शब्द दे रूप दे भी धन है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वो ही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वो ही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा। परमात्मा व्यापक है, शब्द व्यापक है, गुरु व्यापक है, प्रभु व्यापक है। जो व्यापक नहीं वो हर जगह ते मददगार नहीं हो सकता। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाय, उजाड़ दे च याद करो, घर बार दे च याद करो, मंदिर मस्जिद दे च याद करो, सफर दे च याद करो, जिथे हर आराधिए किधरे भी आराधना कर, तिथे हर मित सहाय। तो ये ता ही हो सकता जिहड़ा हर जगह होवे, व्यापक होवे। गुरु मेरे संग सदा है नाले, तो सदा संग गुरु ते ता ही हो सकता जे व्यापक होवे। महर्ज करा, भावें धार्मिक मंदिर जमीन ते बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, बड़े चर्च ने, बड़िया मस्जिदा ने, बड़े गुरुद्वारे ने, बड़े मंदिर ने, कोई कमी नहीं है। धार्मिक मनुख इतने नहीं ने जितने धार्मिक मंदिर ने, इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने। या मैनू कह देना, कहण देना, अमरीका दे जितने गुरुद्वारे ने उतने गुरु के सिख नहीं ने। औखे ना हो जाना किधरे। गुरुद्वारा किस वास्ते है? परमात्मा याद आवे, ते सिख ओ है जिन्हों वेख के गुरु याद आवे। सही संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जमीन ते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने धार्मिक मनुख नहीं ने। क्यों? धार्मिक मंदिर धन नाल बनेंगे, सेवा है, वस्तुआं नाल बनेंगे, सेवा है। धार्मिक मनुख ते सिमरन नाल बनेगा, जप नाल बनेगा, उस तो बिना नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, बिना जप तो बन ही नहीं सकता। चलो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, कितना क जपी है, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एवं मंत्र जपी है, बार बार जप, बार बार जप, हर वक्त जप। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, कोई तेरा दम खाली ना जाए। वाहिगुरु शब्द एकदम दे पूरा हो जाता है, वाहिगुरु एकदम दे पूरा हो गया, तेरा कोई दम खाली ना जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नू जो जफरनामे विच लिखदे ने, लभा लभे कुन दम ब दम नौ शकुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन,
औरंगजेब तेरे दमा दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है, ताई ठनक दे ज्यादा ने, ताई रोला रपा बहुत पाते ने, तेरे दमा दे प्यालिया दे कुछ भी नहीं है। इनों भर परमात्मा दे नाम दे आबे हयात नाल ताके लोक परलोक दिया मुश्किलां, लोक परलोक दिया चिंतावां तेरियां खत्म होन। परम पुरख उसनों कहिंदे ने जिहड़ी गल मित्र नूं आखणी है उही दुश्मण नूं कहणी। सांझा उपदेश यही मित्रां नूं कहना है, सिखां नूं कहना है, दम दम सदा संभालदा, दम ना विरथा जाए। यही औरंगजेब नूं भी कहना है, लभा लभे कुन दम बदम नव शकुन गमे हर दो आलम फरामोशकुन। ऐ औरंगजेब तेरे दमा दे प्याले बिल्कुल खाली ने, तेरे दमा दे कुछ भी नहीं है। किसी दे दमा दे धन होंदा है, किसी दे दमा दे परिवार होंदा है, हर वक्त परिवार दी याद, हर वक्त धन दी याद। किसी दे दमा दे कारोबार होंदा है, हर वक्त कारोबार दी याद। किसी दे दमा दे निरंकार होंदा है, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। लबा लबे कुन दम बदम लो शकुन गमे हर दो आलम फरामो शकुन। भगत कबीर कहिंदे ने हे प्रभु तू धनता दे योग है। मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक मंदिर सेवा नाल बनदा है, धन नाल बनदे ने। धन देना सेवा है, दान एक सेवा है, सिमरन नहीं है। तो कोई दान नाल मन पवित्र नहीं आता, गुस्ताखी माफ कई दफा तो हंकार हो जाता है अगर सिमरन नहीं। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, उल्टा गुमान पैदा हो जाता है। मैं इन्ना दान दिता है, लोकी दानी दानी कहते ने, ते बंदे दे पैर फिर जमीन ते नहीं टिकते। चलो लोकी ना खन तो कई बंदे ते दीवारां ते भी लिखवांदे ने, पत्थरां ते भी लिखांदे ने, इतना दिता है, इतना दान कीता है। मैं इंडिया दे एक दो गुरुद्वारियां दे एक फड़ी देखी, अज तक जितने प्रधान बने सन ना 50-60 साल सारे दे नाल, फलाने साल हो रहे है, फलाने दो वरे हो रहे है, फलाने दो वरे हो। हैरानगी हुई मैनू, कोई अपने दान दा ना लिखवांदा है, कोई प्रधान दा ना लिखवांदा है, कोई होर ते कुछ होर। असल देते हिरदे दी तख्ती ते प्रभु दा नाम ही लिखना है, गलत इतनी चाहिदी सी। औखा कम, औखा बड़ा कठिन है। जमीन देते धार्मिक मंदिर खड़ा करना एक सेवा है। जीवन धार्मिक हो सके सिमरन तो बिना नहीं आता, नहीं आता। दो लवज होर भी मैनू कहन देना, दान नालों लखा गुणा औखा है सिमरन, सेवा नालों लखा गुणा औखा है सिमरन। मैं सैकड़े गुणा नहीं कह रहा, बहुत दुनिया सेवा करती है, बहुत दुनिया सिमरन नहीं करती। सेवा नालों सैकड़े गुणा नहीं, हजारा गुणा नहीं, लखा गुणा औखा है सिमरन। दानी हर शहर विच मिलणगे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलणगे, नहीं मिलणगे। सेवा करन वाले हर शहर विच मिलणगे, रब नाल जुड़े हुए हर शहर विच नहीं मिलणगे, कतई नहीं मिलणगे। होर भी हर तरह दे मनुख हर शहर विच मिलणगे, चोटी दे इंजीनियर मिलणगे, लॉयर मिलणगे, डॉक्टर साइंटिस्ट मिलणगे, बड़े बड़े कारोबारी मिलणगे, धनवान मिलणगे। हर शहर दे ब्रह्मज्ञानी नहीं होंदा, हर शहर दे धनवान होंदे ने, हर शहर दे गुणवान होंदे ने, दार्शनिक होंदे ने, फिलोसफर होंदे ने, कलाकार होंदे ने, इंजीनियर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, बड़े बड़े कानून दा लॉयर होंदे ने। हर शहर दे भगत नहीं होंदे, हर शहर दे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं होंदा। तो फिर मैं कह दिया, चोटी दे साइंटिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, धनवान, कारोबारी नालों भी औखा कम है भगत बनना, भगत बनना।
कठिन है। कई दफा दो दिन बंदा गुरुद्वारे आंदा है ते तीन दिन नितनेम करता है, कहिंदा खेड़ ते कुछ बने ही नहीं। इहदे कोल पुछो तू चार दिन च इंजीनियर बनया, तू पंज दिन च डॉक्टर बनया, तू अज चोटी का साइंटिस्ट बनया, तीन दिन च बनया। समा लगता इत्थे भी, इत्थे भी गल ना गल नहीं पैंदी। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत गाल, धन लई ये 24 घंटे भी गाल ना गाल सकता है, धर्म लई प्रभु दे नाम लई 24 घंटे च 1 घंटा भी कोई नहीं है। मनुख को सारो दिन इस मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। सारा दिन मजदूरी करदा है, मेहनत करदा है, भज दौड़ करदा है, रब दे नां दा जपण दा वेला। महाराज कहिंदे आलसां दे पत्थर पै गए, आलस दे उठदे ही नहीं। उस वक्त धन वास्ते भी उठ सकदा है, अमृत वेले भी उठ सकदा है, रात नूं भी उठ सकदा है, दिन नूं भी पज सकदा है, परमात्मा वास्ते नहीं उठ सकता। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। पत्थर पै जांदे ने सिर ते, ते पत्थरां तले ते मुरदे आउंदे ने, कोई जिंदा मनुख थोड़ी आउंदे ने। गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहिंदे ने अमृत वेले सुते मनुख दरअसल जीवदियां जागदियां लाशां ही ने और कुछ भी नहीं। फरीदा पिछल रात ना जागयो जीवंदड़ो मोयो, जिंदा लाश मुर्दा ही पैन है। फरीदा पिछल रात ना जागयो जीवंदड़ो मोयो, जै ते रब विसारे हो तो रब ना विसरियो, तो जरूर उन्हों भुलाया है, उन्हें तेनों नहीं भुलाया। तेरी याद देच ओ नहीं है, उस दी याद देच तू है। उदी तरफों तेरे नाल संबंध जुड़िया है, तेरी तरफों उस दे नाल रिश्ता टूटिया है। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। भाई साहब भाई नंद लाल इस नूं इंज बयान करदे ने, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब ए सुबह। जिस मनुख नूं शब्द दी चोट नाल थोड़ी जिहा भी जागृति मिल गई है, शब्द ने जिस दे थोड़े जिहा दरवाजे खोल दिते ने, कन खोल दिते ने, उन्हूं एक समझ आ गई कि अगर अमृत वेले मैं सुत्ता रह गया तो मेरा सोना हराम है, मैं हराम सुत्ता। तो जो अमृत वेले सुत्ता रह गया उसकी नींद हराम है, दिन नूं उसका जागना भी हराम है। महाराज ते कहिंदे ने उसका खाना पीना भी हराम है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोए। इहनूं जिंदा कहण दी भी की लोड़ है। जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जे ता किछ खाए। दिन भर जो कुछ खाएगा भी हराम खाएगा, इहदा जीवना भी हराम, इहदा जागना हराम। क्यों? इन्हें अपनी नींद हराम की थी, अमृत वेले सुता रह गया, नहीं जा गया। जै ते रब विसारियो, रब ना विसरियो। मूल गल इतनी है, तन दिया कुछ लोड़ा ने कि अन्न रोटी, मैं फिर दोहरावा तन रोटी तो बने और कुछ भी नहीं है। ये अन्न पानी का पुतला, इन्हों अन्नमई कोश कहते हैं। ये साढ़े त्रैमण देवरी चले पानी अन्न, इस तो बिना नहीं चल सकती। ये रोटी तो बनया है, तन जीवेगा चलेगा रोटी दे आसरे थे। मैं फिर दोहरा दें, तन किवें बनया? रखत बिंद कर निमया, निमया बनया जमया। रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजा, ये लहू तो बनया है, बिंद तो बनया। मां की रकत पिता बिंदारा, पिता दा बिंद मां दा लहू, ये बने तन बने। पर प्रश्न बन पैदा होंदा है, बिंद किवें बनया, लहू क्यों बनया? रोटी तो, भोजन तो, और किस तो बने? इस वास्ते तन भोजन है, क्योंकि तन भोजन तो बनया है। जीवन भर मनुख नूं चिंता भी रोटी दी रहिंदी और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ,
धन संपदा दे अंबार दरअसल रोटियां दे अंबार है। मनुख चाहता है जीवन भर दियां रोटियां, सत पीढ़ियां दियां रोटियां, नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, और कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सब रोटियां दा ढेर है। रिजक दी चिंता है, मनुख नो रिजक भजाई फिरदा है, रोटी भजाई फिरदी है। बड़िया सोहनिया पंक्तियां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच ए। रोटियां धक्के मार रही ने, भजाई फिर दियां ने, क्यों तन बनिया रोटी तो ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते। चिंता बहुती रोटी दी पानी दी नहीं, पानी दी ते बारिश भी आती है, पानी दे ते दरिया भी चलते हैं, रोटियां दी बारिश नहीं आती, रोटियां दे दरिया नहीं चलते, कमानी पैंदी है, किरत करनी पैंदी है। पानी दे ते दरिया पे वगदे ने, पानी दे ते सरोवर ने, झीलां ने, पानी दी ते मूसलाधार बारिश आती है, कोई रोटियां दी बारिश नहीं आती, कोई रोटियां दे सरोवर नहीं, कोई रोटियां दा सागर नहीं, कोई रोटियां दी बारिश नहीं, किरत करनी पैंदी है। तो किरत की है, रोटी कमानी पैंदी है। हुण महाराज कहिंदे ने हर जगह हवा है, हर जगह है, हर जगह मनुख लई रोटी नहीं है, जिथे बैठा है उत्थे रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उत्थे जाना पएगा। इस नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने जिथे रोटी इसकी पई है, जहां दाने तहां खाने नानका सच ए। महाराज कहिंदे ने मैं एक सच्चाई बयान कर रहा, यही सच्चाई है। मनुख दे दाने हर जगह नहीं ने, जहां दाने जिथे हैं ये किरत इसनू धक्के मारेगी और उत्थे जाएगा जिथे रोटी पई है। मनुख जिथे है उत्थे रोटी नहीं है, जिथे भी होवे रोटी वास्ते दुकान ते बाजार ते फैक्ट्री दे किधर ना किधर जाना पएगा। जहां दाने तहां खाने नानका सच ए। बहुत पुरानी गल याद आ गई इस वक्त लालबन, मैं समझदा 25-30 साल ते हो गए होने ने, गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे उस वक्त दे बजुर्ग कथावाचक ज्ञानी मान सिंह जी जौहर कथा कर रहे सन। मैं आसन सोल तो अमृत वेले दिल्ली पहुंचया, इशनान पान करके जब मैं मथा टेकन गया तो ज्ञानी जी कथा कर रहे सन। पुराने बजुर्ग कथावाचकों दे चे 3-4 मने जाते सन, ज्ञानी रणजीत सिंह जी पारस, प्रिंसिपल गंगा सिंह, ज्ञानी मान सिंह जौहर, बेदी ब्रिजवल्लभ सिंह, ये पुराने कथावाचक सुलझे विद्वान गुरमुख समझे जाते सन। ज्ञानी रणजीत सिंह जी पारस, प्रिंसिपल गंगा सिंह, बेदी ब्रिजवल्लभ सिंह और ज्ञानी मान सिंह जौहर, ज्ञानी तीरथ सिंह इत्यादक, ये बजुर्ग कथा कर रहे सन। मैं स्वभाव को बैठ गया, भावें मैं जाना सी अगे, मैं कि चलो बजुर्गों के दर्शन बहुत दिन बाद होए ने, कथा सुनिए। वो एक पुराणक मिथ सुना रहे सन, इस पंक्ति नू आधार बना के, एक माई जुगत वे आई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक संसार बनांदा है, एक संसार नू टिकांदा है, एक संसार नू मिटांदा है। दरअसल क्रियावां जगत विच तीन आउणियां हो रही ने, बनना टिकना मिटना, और कुछ भी नहीं हो रहा। जीव जमदे ने, जीव टिकदे ने, जीव मरदे ने। संसार विच असीं कुछ बनांदे आ, बनदा है, कुछ दिन टिकदा है, फिर मिट जांदा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना मिटे। प्रकृति का नियम भी है, प्रकृति दे अर्थ किधरे नेचर ना करना, प्रकृति कृत तो पहले जो सी
परमात्मा उहदा नियम भी है, वह भी जो कुछ बनाता है मिटा देता है। सूरज बनाया है ना, एक दिन मिटा देगा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस नखत्र गगनं। महाराज कहने हर चीज बनती है, कुछ देर टिकती है फिर मिटती है। सूरज भी कुछ देर टिकता है फिर एक दिन मिट जाता है। जैसे 40 साल तो बाद साडा शरीर घटना शुरू हो जाता है। 40 सी पुर होए, 85 पग खिसे, 60 के बुढ़ेपा आवे, एक सीमा ते पहुंच के सूरज भी घटता है और एक दिन मिट जाता है। असी भी घटते हैं, घटने हैं, एक दिन मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। ये नियम प्रकृति ने हर एक ते लागू किया, हर एक ते लागू किया। जैसे दिन मान मैगजीन दे मैनू पढ़न नू मिलिया, जो भारत दे साइंस दी पत्रिका है, भई एक सैकंड 40 लाख टन वजन सूरज का घट गया है एक सैकंड। और फिर वह इंज कहते ने बुढ़ा सूरज है, अपनी जवानी हंडा बैठा है। होर ब्रह्मांड दे कई जवान सूरज ने, कई बच्चे सूरज ने, कई जन्म लैण वाले ने। इसनों इंज कहिए जिमें 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ जवान ने, कुछ बच्चे ने। अज तक अरबां खरबां मनुखां दियां चितावां जल चुकियां ने, कबरां बन चुकियां ने। बाबा फरीद से कहंदे ने जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। अज साइंस मनन लग पई है जिथे असी बैठे हाँ कम से कम 10 बंदियां दी खाक या राख ते होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरबां खरबां मनुखां दियां चितावां जल चुकियां, अरबां खरबां मनुखां दियां कबरां बन चुकियां, 6 अरब मनुख जमीन ते इस वक्त मौजूद ने। लखां मनुखी बचे रोज जन्म ले रहे, लखां ही रोज रुखसत हो रहे, चितावां जल रही, कबरां बन रही, लखां ही जीव माथावां दे गर्भ दे चने। अकाल पुरख की देह में कोटक बेसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रवसस कोट जलेस। महाराज ते कहंदे ने अरबां खरबां सूरज बने ने, अरबां सूरज मिट चुके ने, अरबां खरबां सूरज अकाल पुरख दे गर्भ दे चने जन्म लैण वाले ने। ऐ जिहड़ा पसारा असी देखदे हां, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कई बार पसरियो पसारा, कोई एक दफा, कितनी दफा बन चुके हैं ते मिट चुके हैं। ये लंबा चौड़ा सिलसिला कई दफा हो चुके हैं ते मिट चुके हैं। ये जो कर्म तिन हो रहे हैं, क्रियावां तिन हो रही ने, बनना टिकना मिटना, इनू पुराणक मिथ बयान करके फिर उन्होंने गुरमत दृष्टिकोण ज्ञानी मान सिंह ने संगत दे सामने रखिया। पुराणक मिथ यह है संसार बनांदा है ब्रह्मा, पालना करता है, टिकांदा है विष्णु, मिठा देंदा है शंकर शिव जी। ज्ञानी मान सिंह जौहर का अपना सुभाव से थोड़ी जी मजाकी तबीयत दे भी सन, खुश करम, क्योंकि उन्होंने सुभाव से वो इस सुभाव को अक्सर कथा दे भी जोड़ देंदे सन। उन्होंने कहा विष्णु भगवान जब जीवां दा रिजक वंडन लगे, मैं संक्षेप दे चर्च पे करना, कहंदा बड़ियां लंबियां कतारां लगियां हुई सन पशुआं दियां, पंखियां दियां, मनुखां दियां। कहन लगा उन्हां मनुखां दी कतार दे च लैन दे च मैं भी खड़ा सी, मैं भी खड़ा सी। हर एक ने झोली अड्डी हुई, विष्णु किसी दी झोली च दो मुठ्ठां पांदा है, किसी की झोली च एक मुठ पाता है, किसी की झोली च अद्धी मुठ पाता है, अंचलता कर रहा है। उन्हों का अपना ढंग पुराणक मिथ नू बयान करने का ढंग, किसी ही वाद
काट के सही पे सगरले लर लर मऊआ, दो बिरा लड़ पैंदे ने, कौमा लड़ पैंदियां ने, किसे कोल वध है किसे कोल घट है, किसे ही वाद काट के सही पे सगले लर लर मऊआ, संसार दे लाई झगड़ा किस चीज का है, किसे कोल कोई चीज वध है किसे कोल घट है, दो भरावां दे झगड़ा किस गल का हो जाता है, वध घटदा हो जाता है, दो बहणा दे च वी कलेश मच जाता है, वध घटदा, किसे ही वाद काट किसे ही पे सगले लर लर मऊआ। तो ज्ञानी मान सिंह जी चौर सुना रहे सन, किसे दी चौरे च विष्णु भगवान दो मुठ्ठा पा देंदा है, किसे दी चौली च एक, किसे दी चौली च अद्धी मुठ, इहदे उत्ते उन्होंने अद्धा घंटा लाया सी किस तरीके नाल ओ मुठ्ठा चौली च पा रहे। मैं मुख्तसर अर्ज़ करदा पिया, कहिंदा मैं भी उस लाइन च खड़ा सी, बड़ी मुश्किल नाल कहिंदा मेरी वारी आई, ज्ञानी मान सिंह दे कहण दा ढंग, कहिंदा मैं भी चौली अड के खड़ा, मुठ्ठा दोवें भरियां विष्णु ने, मान सिंह कहन लगे मेरी झोली च नहीं पाइया, इंज खिलेर दितियां, आख्या ज्ञानी सिंह जिथे जिथे हुण तेरे दाने खिलेरे न चुन लै। ओ फिर बोले 84 साल अज मैनू हो गए ने दाने चुनदियां चुनदियां, जे दिन दाने मुक गए मान सिंह मुक जाएगा, मान सिंह मुक जाएगा। और हकीकत है दाने सारिया के उसने खिलेरे हुए ने, किसी की झोली च नहीं पाता, असलियत जहां दाने तहां खाने, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है, हर एक दे दाने उसने खिलेर दे तन चुनो आप, किरत की बांधी जग फिरे चित बंद ना देरा, किरत बजाई फिर दी, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सचे। महाराज कहने एक सच्चाई है, बड़ी प्रबल सच्चाई है, जिथे दाने ने किरत धक्का मारेगे उथे जाना पड़ेगा, मनुख जिथे बैठा है उथे रिजक नहीं है, रिजक लभना पड़ेगा। भरतरी ने तंग आके इतों ही, चूंकि उन्हों दूजे चौथे दिन भिक्षा मंगन लई जाना पैंदा सी, गोरख ने उहदी एही सेवा लाई है, ते योगियां नूं भी भिक्षा मंगनी पैंदी है, जिवें बौद्ध भिक्षु भिक्षा मंगदे ने इस तरह जोगी भी, पर इह राजा रह चुकिया सी, धार स्टेट दा राजा सी, राजा बिक्रमाजीत दा छोटा बिरा सी, बिक्रमाजीत उजैन दा राजा सी, ते भरतरी धार दा राजा सी, पर अज भिक्षा मंगनी पै गई, जोगी बने। रब दे नेत एक पिंड दे च गया सी, पिंड दा जड़ा मुखिया सरपंच सी वो किधरे चलाना कर गया, तो सारे मरगढ़ घाट पहुंचे, घर घर दे सोक करके किसी ने रोटी बनाई ने, दो चार दरवाजे ते दस्तक दिती, भिक्षा मिली नहीं, दूजे पिंड चला गया, दो मील की दूरी थे, उत्थे मेला लगे हुआ सी बड़ा भारी, सारा पिंड मेले ते पहुंचे हुआ, दुखी हिरदे नाल वापस आ गया अपनी कुटिया च। हुण एक ते दो दिन का भुखा, योगी अक्सर कई दफा रोज नहीं खाते, दूजे दिन खाणगे, और रोज भी खाना है तो अद्धे पेट खाना है दोपहर तो बाद, और एक टाइम ज्यादा ये पानी पींदे ने, क्योंकि जिस तरह की वह साधना करते हैं शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, पानी इन्हों ज्यादा पीना पैंदा है। पर आज ये दो दिन का भुखा है तो एक पैदल दो पिंडा च जाना पिया, ज्यादा चलना पिया, थकिया हारिया आया है। इहदा एक छंद है वैराग शतक दे, जिहदे तीन ग्रंथ ने, नीति शतक, वैराग शतक ते शिंगार शतक, पर धार्मिक जगत दे च प्रचलित है वैराग शतक। शायद आप नूं पता होवे प्राणायाम की साधना करके इसने अपनी उम्र भी बड़ी लंबी कर ली सी, और यह गुरु नानक देव जी दे वक्त मौजूद सी।
धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तीन शब्द भी भरतरी के प्रति उच्चारण किए ने आसा राग के अंदर। तिना शब्दों का वक् वक् आशा है लगता है भरतरी ने कुछ इस तरह के प्रश्न किए होंगे। ये तिना दिया दो दो पंक्तियां भी मैं थोड़े सामने रख रहा। जल ते उपजे जल ते जो दूर जल में जोत रहा भरपूर सुन भरतर नानक कहे विचार निर्मल नाम मेरा आधार। दूसरी सगली जोत हमारी समय इतने किधर भरतरी ने पूछ लिया थोड़ा पंथ की है तो साहब कहते हैं सगली जोत हमारी समय नाना वरन अनेकं कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। सारिया दे नाल चलना सारिया नो नाल लेके चलना बस नानक का यही पंथ है। कोई पंथ नहीं है भरतरी होर कोई पंथ नहीं है। तीसरा सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कह नानक सुन भरतर जोगी खेवा अमृत धारे। श्वासा नु रोक के इसने अपनी उम्र लंबी की थी सी राजा बिक्रमा जीत का छोटा बेरा। अज दो दिन का बुख है बुख तो बैबल अपनी कुटिया च आया उदों ये वैराग शतक ग्रंथ की रचना भी कर रहा है। उदा एक छंद मैं थानू सरवण करावा। वो कहिंदे नागों का आहार ब्यार माटी की नो मुख चार उदम न हिंसा वार सुख सदा होए ए परमात्मा सब तो एक त्रिगत जोन तो बनाई सप फनियर नाग जहरीले नाग उन्हां दा मूल रिजक तू बनाया मिट्टी खुड दे विच भी इन्हां नू मिट्टी मिल जांदी है। जैसे मूल रिजक मनुख का अन्न है कणक है भावे हजार चीजा खावे होर सप का भी मूल रिजक मिट्टी है। पवन दे जो पानी की नमी है उदे चो ही पानी पी लेंदा है हवा दे चो ही पानी कढ़ लेंदा है। कुछ इस ढंग का आला परिपूर्ण परमात्मा ने सप दे च बनाया। ये कहिंदा इतनी त्रिगर जोन जिन्हों देखण नू भी जी नहीं करता उदे ते तू इतना तरस खादा है उदा रिजक उदे घर दे च ही मिल जांदा है उन्हों भजना दौड़ना नहीं पैंदा रिजक दी खातर क्योंकि जिस खुड दे च रहिंदा उत्थे भी मिट्टी मिल जांदी है। नागों का आहार ब्यार ब्यार कहिंदे ने हवा नू ते माटी मिट्टी ब्यार विचों हवा विचों ही पानी पी लैंदे ने। नागों का आहार ब्यार माटी कीनो मुख चार उदम न हिंसा वार सुख सदा होए है अंकुर त्रिड़ाद सुदा सो प्रसाद पावे पशु एलाद धार धरा सोए। कई जंगली जानवर तो जंगल रिच बनाए ने हिरन इत्यादक चितले इत्यादक नहीं लगाया उन्हां दा आहार जंगल दे घास पत्ते बनाए बड़ा बनाया तू जंगल रिच घास पत्ते उन्होंने सहजे रिजक मिल जाता है। रची नरों की बित जोना बिना बित रंडी पूत समताएं दंडी नाए कोए। एक महान संत भगत दे बोल ने तो कहण दे मैं संकोच ना करा वो कहिंदा हे परमात्मा तू मनुख दी रोजी खिलेर देती है लभनी पैंदी है इन्हों पता भी नहीं आता मेरा रिजक कित्थे है और रिजक इसनों धक्के मारता है। बिना पुरुषार्थ दे बिना मेहनत दे ये रिजक लभदा नहीं। असरफल मखलूक आओ धरती दा सरदार मनुख एदी रोजी तू औखी बनाई मैं तेनू कहांगा तू रंडी दा पुत्र है तेरा प्यो है नहीं जे तेनू कोई अकल देंदा। भरतरी राजयोगी भरतरी रंडी पूत समताएं दंडी नायक तेनू कौन समझावे। जिहड़ा समा मेरा भजन दे च लगना चाहिदा सी भिक्षा मंगण दे च लग जांदा है। दो दिन का मैं भुखा हूं तेरा नाम मैनू नहीं चंगा लगता। कबीर दे बोल भूख है भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे अहले अपनी माला भुखिया तेरी बंदगी नहीं होनी नाम नहीं जपया जाना। तन रोटी है ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे उस तो बिना नहीं जी सकता। भगत कबीर इस वास्ते चारा नू धन धन कहिंदे ने धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके
दंता दे योग है परमात्मा तो, दंता दो रूप है तेरी जोत शब्द गुरु, और धनता दे योग है ए अन्न रोटी, ए पेट दे ज पै जाए ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते रब तू नहीं चंगा लगता। धन अनाद भूखे कवल टेके, फिर चौथा धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सांग पाने। ओ संत भी धनता दे योग जिन्होंने इस असलियत नो समझे है, इस हकीकत नो जाने है। तन रोटी है, भौतिक पदार्थ है। आप दी ग्यातली अर्ज करा, इस्लाम चार तत मनदा है, पांच नहीं मनदा। यहूदी ईसाई भी करीबन करीबन पंजवा तत नहीं मनदे। इत्थे थोड़े निकट इंग्लैंड विच तीन साल पहले एक उगे मुस्लिम विद्वान ने, जिदे अक्सर लेख उत्थे जंग अखबार उर्दू दा है उहदे च निकलदे रहिंदे, लिखदा रहिंदा सुभावक, किधरे रेडियो टीवी ते कथा सुनी उसने, तो उहदे च कोई सूफी कलाम सुनिया, गुरुद्वारे आण लग पिया। मेरे कमरे च आके मैनू कहण लगा शरीर दे च पंजवां तत् किहड़ी थां ते है। शरीर दे च मिट्टी है, समझ च आउंदी है, मिट्टी दा पुतला है। शरीर दे च हवा है, पवन है, दिसदी है, पता चलदा है। शरीर दे च अग्नि भी है, शरीर दे च पानी भी है। ये जो पंजवां तत् भारत दे ऋषि मुनि मनदे ने आकाश स्पेस जगह, ये शरीर दे च केड़ी थां ते है? पंजवां तत् कोई नहीं है। मैनू कहण लगे जब तुसी पंज तत्तां दी व्याख्या कीती मैं रेडियो ते सुनी, मैनू दुख होया भी तुसी भी पंज तत् मनदे हो। मैं कहा पंज तत् मनदे की आ, परमात्मा ने बनाई पंज तत् ने, प्रभु ने बनाई पंज ने। कहिंदा नहीं, पंजवां तत् दसो शरीर दे किथे है? पाणी है असी मनदे आ, मिट्टी है असी मनदे आ, अग्नि है असी मनदे आ, हवा है असी मनदे आ, पहले दसो शरीर दे आकाश केड़ी थां ते? शरीर आकाश दे विच है, शरीर नूं होण वास्ते भी जगह चाहीदी है, स्थान चाहीदा, स्पेस चाहीदी। इन्हां पंज तत्तां नूं होण वास्ते भी ते इक तत् चाहीदा, जगह ते चाहीदी है, स्पेस ते चाहीदा। पंजवां तत् आकाश जगह स्थान, अगर ये ना होवे हवा किथे होवेगी, पानी किथे होवे, मिट्टी किथे होवेगी, अग्नि किथे होवेगी? अस्थान ते चाहिदा, स्पेस ते चाहिदा, सूरज नूं होण वास्ते, सागर नूं होण वास्ते, धरती नूं होण वास्ते, शरीर नूं होण वास्ते, इस तन नूं होण वास्ते। कहण लगे इस तरह भी सोचिया जांदा है? तो मैं कि दिमाग नूं ताले लाए जांदे ने, इस तरह भी सोचिया जांदा है। भारत दे ऋषि मुनिया ने बहुत गहरा सोचिया, अगर स्पेस नहीं है, जगह ही नहीं है, तो तन किथे होवेगा, ये जमीन किथे होवेगी, ये सूरज चंद तारे किथे आउणगे, ये सागर किथे होवेगा? अस्थान पंजवां तत् आकाश, ये पंच तत् दा पुतला है, और चलेगा अन्न पानी दे आसरे ते। साडे त्रैमण देहुरी चले पानी अन्न, दूसरा साडा सूक्ष्म शरीर है, ये अन्न पानी दा पुतला नहीं है। उन्हों मन भी कह देंदे ने, उन्हों सूक्ष्म शरीर भी कह देंदे ने, उन्हों जीवात्मा भी कह देंदे ने। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, आत्मा नूं उपदेश करो। इत्थे आत्मा दे अर्थ मन, मन दे अर्थ किधरे आत्मा बनता है। ए पंज तत् दा पुतला नहीं है, इहदी लोड़ रोटी नहीं है, भोजन इसकी लोड़ नहीं है। ये पंज तत्तां तो बनिया भी नहीं है, फिर किस तो बनिया? कहो कबीर ए राम के अंश, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। रोटीज दी लोड़ नहीं है, तन दियां लोड़ां नो, बस मैं समाप्त करन लगा, समा हो गया। तन दियां लोड़ां नो जदे सूक्ष्म सुरूर अपनी लोड़ बना लैंदा तो लोभ बन जांदा है। प्रभता तन की लोड़ हो सकती, बाहर चाहिए, माण वड़ियाई भी चाहिए, नहीं तो जीवना औखा हो जाता है। कमजोर बंदे नु कौन जीण देंदा है? कमजोर बंदे दी तो जना खाना पग ला के रख देंदा है। प्रभता तो चाहिए है, पर प्रभता जब सूक्ष्म शरीर
अपना लोभ बना लेंदा है तो हंकार बन जाता है। धन ते चाहिए, रोटी ते चाहिए, पदार्थ ते चाहिए, उस तो बिना तन हो नहीं सकता। पर धन तन की लोड़ से जब इस मन अपनी लोड़ बना लेंदा है तो लोभ बन जाता है। लोभ प्रभता तन की लोड़ से जब इस मन अपनी लोड़ बना लेंदा है तो हंकार। काम भी तन की लोड़ से, एक तन तो होर तन बने और सहारे बनन, ये पीढ़ी चलती रहे, वदी वेड़ बहु पीढ़ी चाली, ये पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। बस जब इस काम नो मन अपनी लोड़ बना लेंदा है तो ये वासना बन जाता है, फिर मनुख भ्रष्ट हो जाता है हंकार करके, लोभ करके, वासना करके। तन दिया लोड़ा नो मन अपनी लोड़ बना लेंदा है तो होंदा कि यह व्यक्ति तौर पर तन की तृप्ति हो जाती है, मन की तो होंगी ही नहीं क्योंकि मन की लोड़ ही नहीं है, पर भुलेखे च बना लेता है। यह सत्संग इस वास्ते है, तन की लोड़ रोटी है, रिजक है, मन की यह लोड़ नहीं है। यह भोजन मन की लोड़ नहीं, भजन मन की लोड़ है, प्रभु का नाम मन की लोड़ है। इसकी पूर्ति किवें करिए, यह सारा खुलासा बाकी जो दो चार दिन दास ने थोड़ी इतने संगत करनी है, थोड़ी हाजरी भरनी है, सेवा करनी है, ये मैं खोलण की निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि पौना घंटा सी दास का समाप्ति होनी है। इतना तुसी याद रखना, एक साडा स्थूल शरीर है, ये पंच तत् का पुतला है, अन्न पानी इसकी लोड़ है। एक साडा सूक्ष्म शरीर है, उन्हों मन भी कहिंदे, उन्हों जीव आत्मा भी कहिंदे। संसार की कोई चीज उसकी लोड़ नहीं है, लेकिन यह लोड़ बना लेंदा है, समझ लेंदा है, इतों फिर मन भटक जाता है। धर्म की सारी साधना, धर्म का सारा ज्ञान मन को समझाने वास्ते है। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहिंदे ने, मन मूरख अज हूं नहीं समझत, सिख दे हारे ओ ने। रोज रोज इस नूं समझाना, ये तेरी लोड़ नहीं है, इहदे नाल तेरी तृप्ति नहीं आउंदी। समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं, क्यों नहीं समझदा, इहदे की कारण ने। ये सारा लड़ीवार विचार दास 15 तरीक तक थोड़े चरण परस रहा है, खोलण की निमाणी कोशिश करेगा। रात के समय ये जो है विचार चरण गया, जो रात का समय उहदे दास हाजरी भरेगा। होर गुरमुख प्यारे लुधियाणे तो जो आए ने, चंगे सुलझे विद्वान ने, और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की लड़ीवार कथा आप सरवण करा रहे हैं। अमृतसर तो आए हुए गुरु के कीर्तनी भी बड़े सुंदर ढंग थानू करते पुरख नाल जोड़न का वसीला प्रदान कर रहे हैं। आप समय सिर पहुंचना ते दास बाकी दिनों च इस विचार नू थोड़े सामने खोलण की निमाणी कोशिश करेगा। बुल चुक दी छवां, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।